देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना गठबंधन धर्म, अपना गठबंधन फर्ज हमेशा निभाया है। चाहे किसी भी मुद्दे को लेके हमेशा साथ खड़ी रही है, उसको विधानसभा से पारित कराना हो या जो भी विषय पे, हमेशा एक दो दिन पे बैठ के मैराथन बैठक हुआ है, कई ऐसे एपिसोड हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे लिए बहुत हताशा महसूस करने वाली बात है कि इस तरह का एक मतलब उधर हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से जो बात हुआ, उसके बाद इधर खुद से निर्णय हुआ, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है और गठबंधन धर्म का पालन हम भी कर रहे हैं और गठबंधन धर्म का पालन दोनों को मिल के करना चाहिए। और जो भी हमारा मैनिफेस्टो में है वो सब सारा पूरा होना चाहिए था। और जो हमारा ओबीसी का 27% आरक्षण का जो मैनिफेस्टो में है उसको भी पूरा करना चाहिए। और कई ऐसे चीजें हैं जो मैनिफेस्टो में है जो हम सब दोनों मिलके बेहतर काम कर सकते हैं, दोनों पार्टियां मिलके बेहतर काम कर सकती है। और महागठबंधन का धर्म निभाते हुए आगे बढ़ेंगे तब सारे लोगों का काम होता रहेगा और कोई भी हताशा महसूस नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं में हमेशा जोश रहेगा और सब काम करने में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तो बहुत हताशा महसूस कर रही हूँ और भी सारे लोग निराश हैं। पार्टी के अंदर एक उदासी छा गई है और इसलिए उदासी नहीं छाई हुई है क्योंकि उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए, इसलिए क्योंकि वो बात करके आए थे और वहाँ पे कुछ और सहमति बनी और यहाँ पे आके वो खुद अपना निर्णय लिए हैं। तो ये गठबंधन धर्म जो हम लोग सब निभा रहे हैं तो इसका जो है ये चलते रहना चाहिए दोनों तरफ से, और इसी वजह से सभी लोग निराश है और काफी दुखी है। देखिये, हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी मतभेद है, जिस वजह से ये सारा चीज हुआ, इसको ठीक करनी जानी चाहिए ताकि हमारे राज्य में इसका प्रभाव नहीं पड़े।